साई की बात बच्चे, जो मैं आज तुमसे कहने जा रहा हूँ ना, उसे ध्यान से सुनना और समझना मेरे बच्चे। सुनो, जो लोग बदल गए हैं ना, उन्हें जाने दो मेरे बच्चे। उनके पीछे अपना समय व्यर्थ क्यों करते हो, उनके पीछे क्यों भागते हो मेरे बच्चे? तुम्हें उनके पीछे भागने से ना कुछ हासिल नहीं होगा, तुम्हें परेशानियों का सामना करना होगा। तुम क्यों अपने आप को यूँ बेमतलब ही चोट पहुंचाते हो, अपने आप को ठेस पहुंचाते हो मेरे बच्चे? क्यों मेरे बच्चे? जो चला गया है ना, उसे जाने दो। उसने अपनी दिशा चुन ली है, अपना मार्ग चुन लिया है। अब तुम्हें भी ज़रूरत है एक नई दिशा की, एक नए मार्ग की। तुम भी आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में। सबका हक है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, आगे सोचने का, आगे करने का। तो तुम भी करो, तुम्हें भी हक है। तुम भी आगे बढ़ो मेरे बच्चे और हमेशा खुश रहा करो। क्यों चिंता करते हो? तुम्हारा मन जब अशांत हो ना, तो अन्नदान कर लिया करो, मेरी लीलाओं का श्रवण कर लिया करो। तुम्हें बहुत मदद मिलेगी, तुम्हें बहुत हिम्मत मिलेगी। मैं हूँ ना, तुम सबकी मदद करते हो, मैं जानता हूँ। तुम्हारी मदद मैं करूँगा, चिंता बिल्कुल मत करना। बिगड़े हुए काम भी बनाऊँगा मैं, बिल्कुल चिंता मत करना। मैं सब देख रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ। तुम्हारी एक एक आंसू मैं सब समझता हूँ, तुम्हारे दिल का दर्द मैं समझता हूँ मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ तुम्हारे आसपास कोई नहीं जो तुम्हें समझे, पर चिंता मत करो। तुम्हारा साईं है ना, तुम्हारा बाबा है ना, वो तुम्हें बहुत अच्छे से समझता है, तुम्हारे दिल के दर्द को तुम्हें समझता हूँ मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और हाँ, जो भी काम करना चाहते हो ना, तो समय से कर लिया करो मेरे बच्चे। यूँ टाला मत करो। जब अपने कामों को तुम टालते हो ना, तो वो समय से नहीं हो पाते, फिर तुम्हें ही परेशानी होती है ना। तो क्यों करते हो ऐसा मेरे बच्चे? अपने दिनचर्या में सुधार लाओ और अपने कामों को समय से ख़त्म किया करो मेरे बच्चे। और हाँ, इन 10 दिनों के अंदर ही अंदर तुम्हारे पास कोई खास खबर आने वाली है मेरे बच्चे। तुम खुश हो जाओगे। ये 10 दिन में देखना तुम्हें बहुत अच्छी खबर मिलेगी, बहुत अच्छी, जिसका तुम्हें बहुत समय से इंतज़ार था मेरे बच्चे। और हाँ, जो बच्चे मेरे आगे दिया जलाकर मेरे आगे रोशनी करते हैं ना, मैं उनकी राहों में रोशनी करता हूँ, उनकी ज़िंदगी में रोशनी करता हूँ मेरे बच्चे। तुम क्यों चिंता करते हो? ये जो तुम अपना आस का दिया जलाते हो ना मेरे आगे, तेरी ये आस कभी बुझेगी नहीं। तुम देखना, तेरी आस उजाला बनके तेरी ज़िंदगी में आएगी। तुम देखना मेरे बच्चे, तुम देखना। तुम्हारे लिए तो बहुत कुछ सोच लिया है मैंने, बहुत कुछ, और बहुत कुछ दूंगा। और हाँ, सिर्फ साईं सा चरित्र पढ़ने से ही तुम्हारी ज़िंदगी में मैं इतने बदलाव कर दूंगा ना, तुम सोच भी नहीं पाओगे। अपने मन से साईं सा चरित्र को पढ़ा करो, तुम्हारे सारे समस्याओं का समाधान मिलेगा मेरे बच्चे। सारी समस्या तुम्हारी ख़त्म हो जाएंगी। किसी विधि विधान की ज़रूरत नहीं है, पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं है, किसी ज्योतिषी परामर्श की ज़रूरत भी नहीं है। तुम देखना, कुछ ही समय में तुम्हारा सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल जाएगा। और जो तुम करना चाहते हो ना, ज़िद्द पकड़ कर करो, तुम्हें मिलेगा। मैं हूँ ना, मैं तुम्हें दूंगा मेरे बच्चे, मैं तुम्हें दूंगा। और हाँ, रिश्तों में सच्चाई बहुत ज़रूरत है मेरे बच्चे, रिश्तों में सच्चाई बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जिस रिश्ते में सच्चाई नहीं होगी ना मेरे बच्चे, वो रिश्ता कभी मजबूत नहीं रह सकता। घबराओ मत, आगे बढ़ो। तुम्हें हर रिश्ते बहुत अच्छे से निभाना है। और जिन रिश्तों से तुम्हें धोखा मिला है ना, चिंता मत करो। मैं हूँ ना, मैं तुम्हें उसकी भरपाई करके दूंगा। तुम्हारे जीवन में ऐसे ऐसे लोग आएंगे ना, कि तुम सब पुरानी बातों को भूल जाओगे। मेरी लीलाएं देखना। और कभी कभी जब मैं जवाब नहीं देता हूँ ना, तो शांति से सोचना कि बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ अलग ही सोच रहा होता हूँ, कुछ नया, कुछ तुम्हारे अच्छे कर्मों के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए मेरे बच्चे। और हाँ, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी है, इस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है मेरे बच्चे।
इसे तुम्हें सुकून से जीना है या अशांति से, ये तुम्हारे ऊपर है। तो अपने जिंदगी में बदलाव खुद लाओ मेरे बच्चे, खुद संभलो, ये तुम्हारी जिंदगी है और तेरे जिंदगी में तेरा साईं है जो सब संभाल रहा है। तो चिंता किस बात की है मेरे बच्चे, अपने जिंदगी में थोड़ा सुकून लाओ, फिर देखना सब कुछ अच्छा होगा। और हाँ, थोड़ा सहन करने की भी क्षमता लाओ मेरे बच्चे, हमेशा ये क्रोधित होने से कुछ नहीं होता, क्रोधित होकर हर समस्या का समाधान नहीं निकल सकता मेरे बच्चे, नहीं निकल सकता। तो इसलिए क्रोधित होना बंद करो और अपने आचरण में थोड़ा सा सुधार लाओ मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में सुधार होना बहुत जरूरी है। और थोड़ी सी श्रद्धा और सबूरी भी रखा करो मेरे बच्चे, जिन रास्तों पर तुम हो ना, मैं जानता हूँ थोड़े से कठिन है, लेकिन चिंता मत करो, वही रास्ते बहुत खूबसूरत होंगे, तुम देखना, तुम्हें एक नई दिशा दिखाऊंगा, एक नया सवेरा तुम्हारी जिंदगी में आएगा, तुम्हें संकेत भी दूंगा मेरे बच्चे, तुम्हें समझाऊंगा और रास्ते भी दिखाऊंगा, बस चलना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें हर एक चीज से पीछे रखूंगा, हर एक चीज से जो तुम्हें परेशान करती है उसको तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा मेरे बच्चे, बिल्कुल चिंता मत करना। और हाँ, ये जो तुम्हारी अच्छाई है ना, यही तुम्हारे लिए कभी कभी नुकसानदायक हो जाती है मेरे बच्चे। अच्छाई करो, पर इतना भी नहीं कि अंधे होकर करो मेरे बच्चे, कि तुम्हें दिखाई देकर भी तुम कुछ देख ना पाओ, ऐसा मत करो मेरे बच्चे। जो लोग तुम्हें दिख रहा है ना, तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं, तो वहां से सावधान हो जाओ मेरे बच्चे, सावधान हो जाओ। और हाँ, जब भी भोजन करो ना, तो मेरा नाम ले लिया करो, क्योंकि जिस थाली से तुम खाते हो ना, उसी थाली से मेरी भूख मिटती है मेरे बच्चे, भूख मिटती है। तो तुम मेरा नाम स्मरण करके भोजन को ग्रहण किया करो। और हाँ, आज जो तुम सब्जी बनाने जा रहे हो ना, वो मेरी बहुत प्रिय सब्जी है, जरूर आऊंगा खाने मेरे बच्चे, जरूर आऊंगा, मेरा बहुत मन है वो खाने का। और तुमने आज बनाई है, तो मैं आज क्यों ना आऊं मेरे बच्चे, क्यों ना आऊं। और हाँ, अपनी जिंदगी को ना यूं आजादी से जीने की कोशिश करो मेरे बच्चे, इस खुली हवा में सांस लो, ये जो प्रकृति मैंने बनाई है ना, तुम्हारे साईं ने जो बनाई है मेरे बच्चे, तुम्हें इसे देखना है, महसूस करना है, ये जो खूबसूरत जिंदगी है ना, ये तुम्हारे लिए है मेरे बच्चे, तुम इस जिंदगी में आए हो तो ये जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हें समझना होगा। और हाँ, जब भी मैं चुप रहता हूँ ना, तो मेरी खामोशी को एक विशेष कारण समझकर चुप हो जाया करो, मेरी लीलाएं देखना, मेरी लीलाएं कैसी होती हैं तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हें समझना होगा, अपने साईं को, अपनी साईं की लीलाओं को मेरे बच्चे तुम देखना, तुम्हारे जिंदगी में मैं इतने सारे बदलाव करूंगा ना, इतनी सारी खुशियां लाऊंगा ना, कि तुम समेटते समेटते परेशान हो जाओगे कि ये कैसा हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बिल्कुल चिंता मत करो। और हाँ, तुम्हारे घर में जो पशु है ना, उसका ध्यान रखा करो, तुम अगर उसका ध्यान रखोगे ना, उसका अच्छे से लालन पालन करोगे, तो मैं भी बहुत खुश होता हूँ। उसके मन को तृप्त रखा करो, उसको अच्छे से भोजन कराया करो, और हाँ, जितना हो सके ना, उसका ध्यान भी रखा करो, फिर देखना वो तुम्हारा जीवन, तुम्हारा जिंदगी, तुम्हारा सौभाग्य बदल कर रख देगा। उसे मैं ही भेजा हूँ मेरे बच्चे, मेरे ही आदेश पर वो तुम्हारे घर में आया है मेरे बच्चे, तो उसका लालन पालन तुम्हें करना है, तुम्हें अच्छे से संभालना है उसे मेरे बच्चे, वो मेरा ही बच्चा है, मेरा भेजा हुआ बच्चा है वो, उसका ध्यान रखना मेरे बच्चे, हमें